पुलिस आर्मी सीआरपीएफ कॉर्डन डाला और दो टेररिस्ट मस्जिद में घुस गए। फिर उसके बाद फायरिंग कर दिया पुलिस पार्टी पर। फिर मस्जिद से हट के एक स्ट्रक्चर था सेपरेट, उसमें घुस गया। हम लोग बहुत अपील किए, बाहर नहीं निकला। फिर टी एस मोक सेल की यूज किए, कुछ फायरिंग भी हुआ रिटेलिएशन में। उसमें दोनों टेररिस्ट मारा गया, दोनों लोकल टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा का है सर, कई टाइम से देखा जा रहा है। दूसरा जो अभी हुआ है तो इस जो टीम को हम लोग, हमारी पुलिस पार्टी इसको जो ट्रैक कर रही थी, और ये इसका मकसद था जो श्राइन बोर्ड के गार्ड पर अटैक करके उसका वेपन स्नेच करने। फिर पुलिस पार्टी पर देखते ही उसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देखेंगे ब्लड के स्टैंड है पुलिस हमारे पोस्ट बगल में, पुलिस ने रिटेलिएट किया, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीना से श्रीनगर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे कुछ सीनियर ऑफिसर पर अटैक करने की बात कहा था। ये पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, दो भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसको निकाल सर। कुछ दिनों से जो भी ऑपरेशन श्रीनगर में हो रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट का नंबर न्यूट्रलाइज हो रहा है, डू वी हैव मोर नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इन श्रीनगर? बिल्कुल, जैसा मैं बार-बार कहता हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस का, खास कर श्रीनगर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये लोग सिविलियन पर अटैक करते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं, और कुछ जो आम आदमी को इनोसेंट पर अटैक करते हैं और बोलते हैं ये मुखबिर है, जो सरासर गलती है। आप लोग हरदम पेशेंस देखते हैं, हम लोग कोई भी रिलीज प्लेस हो, जैसे आज वहाँ का मस्जिद बात हुआ, श्राइन बोर्ड का है, कुछ डैमेज नहीं हुए, ना कोई डैमेज हुआ, ना कोई इंजर्ड हुआ, बहुत कोलेटरल डैमेज को मेंटेन करते हुए हम लोग पाकिस्तानी मिलिटेंट हो या लोकल मिलिटेंट को, उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। जी रिलीजियस प्लेस है, हजरत मानी जाती है, इसका मकसद था कि चाहे जो पुलवामा में मस्जिद की बात हो या श्राइन का है, इसमें घुस जाए, सिक्योरिटी फोर्स के साथ एंगेजमेंट करे, न्यूज फैलाए और लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे, जिसमें हम लोग कामयाब नहीं हो सकेंगे। सर कल एक अटैक हुआ था जिसमें सरपंच को मारा गया है, एक दो दिनों से देखा जा रहा है, तो फिर से जो टारगेट पुलिस आर्मी सीआरपीएफ कॉर्डन डाला और दो टेररिस्ट मस्जिद में घुस गए। फिर उसके बाद फायरिंग कर दिया पुलिस पार्टी पर। फिर मस्जिद से हट के एक स्ट्रक्चर था सेपरेट, उसमें घुस गया। हम लोग बहुत अपील किए, बाहर नहीं निकला। फिर टी एस मोक सेल की यूज किए, कुछ फायरिंग भी हुआ रिटेलिएशन में। उसमें दोनों टेररिस्ट मारा गया, दोनों लोकल टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा का है सर, कई टाइम से देखा जा रहा है। दूसरा जो अभी हुआ है तो इस जो टीम को हम लोग, हमारी पुलिस पार्टी इसको जो ट्रैक कर रही थी, और ये इसका मकसद था जो श्राइन बोर्ड के गार्ड पर अटैक करके उसका वेपन स्नेच करने। फिर पुलिस पार्टी पर देखते ही उसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देखेंगे ब्लड के स्टैंड है पुलिस हमारे पोस्ट बगल में, पुलिस ने रिटेलिएट किया, जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीना से श्रीनगर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे कुछ सीनियर ऑफिसर पर अटैक करने की बात कहा था। यह पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, दो भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसको निकाल सर। कुछ दिनों से जो भी ऑपरेशन श्रीनगर में हो रहे हैं, फॉरेन टेररिस्ट का नंबर न्यूट्रलाइज हो रहा है, डू वी हैव मोर नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इन श्रीनगर? बिल्कुल, जैसा मैं बार-बार कहता हूं, जम्मू कश्मीर पुलिस का, खास कर श्रीनगर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये लोग सिविलियन पर अटैक करते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं, और कुछ जो आम आदमी को इनोसेंट पर अटैक करते हैं और बोलते हैं ये मुखबिर है, जो सरासर गलती है। आप लोग हरदम पेशेंस देखते हैं, हम लोग कोई भी रिलीज प्लेस हो, जैसे आज वहाँ का मस्जिद बात हुआ, श्राइन बोर्ड का है,
कुछ डैमेज नहीं हुए, ना कुछ कोई डैमेज हुआ, ना कोई इंजर्ड हुआ। बहुत कोलेटरल डैमेज को मेंटेन करते हुए हम लोग पाकिस्तानी मिलिटेंट हो या लोकल मिलिटेंट्स को उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। जी रिलीजियस प्लेस है हजरत के लिए। इसका मकसद था कि चाहे जो पुलवामा में मस्जिद की बात हो या सराइन का है, इसमें घुस जाए, सिक्योरिटी फोर्स के साथ एंगेजमेंट करे, न्यूज फैलाए और लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे, जिसमें हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। सर कल एक अटैक हुआ था जिसमें सरपंच को मारा गया है, एक दो दिनों से देखा जा रहा है फिर से जो टारगेट। Go, 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 go.